नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसका सोल्यूशन अच्छी तरह से कराऊँगा, ठीक है। तो देखिए, ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 4.2 इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक, ठीक है ना, जो क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक का सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सारणिक का गुणधर्म का प्रयोग करके हमको इसको सिद्ध करना है, ओके। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे इतना बराबर आपको 0 लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लिए, ठीक है, इसको हमको 0 लाना है। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले कि प्रत्येक स्तंभ में से हम क्या किए हैं, ये स्तंभ है ना, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, इस सब में से मैंने -1 कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है। तो इसमें से -1 कॉमन लीजिएगा, तो ये तो यहाँ से माइनस ये खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, इसमें भी वही काम, इसमें से भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस, ये तो आपका 0 है तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। तो इसमें से भी -1, इसमें से भी -1 और इसमें से भी -1, यानी -1 का क्यू हो गया, ठीक है, बाहर ले लिए। अब हम क्या किए हैं दोस्तों, ये -1 का क्यू कीजिएगा तो -1 ही रहेगा ना, यानी आप -1 से इसमें टोटल में गुना करिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने किया है, देखिए यहाँ पे माइनस में आ गया। अब हम दोस्तों क्या किए हैं कि अब इसमें हम रो और यहाँ पे माइनस में, ये टोटल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से पंक्ति यानी कि ये रो, ठीक है ना, और स्तंभ, ये स्तंभ को क्या करेंगे, आपस में बदलेंगे, ठीक है ना, यानी ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस रो को कलम में लिखेंगे, रो को मैंने कलम में लिखा, मतलब इसको इस स्तंभ में लिख दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कलम में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कलम में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, अब उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। अब ये देखिए, ये जो मान आया, ये जो मान आया, तो इसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए, ये सेम आ गया, मतलब इस जो डेल्टा है ना, इसका ही ये जितना ये मान है उतना क्या है, ये मान आ गया, ठीक है। तो यहाँ इसको हम इस डिटर्मिनेंट से इसको दर्शाए हैं, तो यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट से हम दर्शा सकते हैं, और ये माइनस है तो माइनस, ये माइनस माइनस इधर आया तो ये माइनस था तो इधर आया तो प्लस हो गया टू डिटर्मिनेंट। अब ये 2 से इधर भाग पड़ेगा 0 में तो 0 ही रहेगा, यानी डिटर्मिनेंट का मान हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, सारणी का मान हमारा 0 आ गया। तो यही तो सिद्ध करना था कि इस सारणी का मान 0 हो, तो ये आपका प्रूफ हो गया ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इतना बराबर आपको क्या लाना है, 4a² b² c² लाना है। तो हम इसको उठाते हैं, LHS मान के चलते हैं, ये है RHS मुझे लाना है, तो चलिए LHS मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या किए हैं दोस्तों, तो R1 में हम एस, ये देखिए R1 हुआ, ठीक है, इसमें से a कॉमन कर लेंगे, R2 में से हम b, यहाँ पे भी b मिल रहा है, b कॉमन कर लेंगे, और R3, ये R3 है, इसमें c दिख रहा है आपको, तो c कॉमन कर लेंगे, ठीक है, कॉमन लेने पर। तो देखिए, इसमें से ए आ गया, इसमें से बी आ गया, इसमें से सी, यानी कि ए बी सी लिख देंगे। अब उसके बाद में करना क्या है, यहाँ से ए स्क्वायर था तो एक तो ए बाहर आ गया है तो माइनस ए बचेगा ना, और यहाँ से ए कॉमन चला गया है तो बी बचा, इसमें से ए कॉमन चला गया तो सी बचा, और इसमें से बी बाहर निकल गया तो ए, यहाँ से बी स्क्वायर था तो एक बी तो बाहर आ गया तो माइनस बी बच गया, यहाँ पे बी बाहर चला गया तो सी बचा, यहाँ पे सी बाहर चला गया है तो ए, यहाँ पे सी बाहर चला गया तो बी, यहाँ पे सी बाहर चला गया तो माइनस सी, बस यही हो गया। अब इसमें हम फिर क्या कर रहे हैं, तो देखिए, ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ, तो C1 में से A कॉमन, और C2 में से B कॉमन, और C3 में से C कॉमन, तो वही लिख दिया, ठीक है, ये C1 में से A, C2 में से B और तथा C3 में से C कॉमन लेने पर। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, बाहर चला गया तो। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ABC कॉमन लिए, तो पहले से ABC था और ABC और हो गया, तो A का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा, C का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि R1 के स्थान पे ये R1 है और ये R2 है, तो इस R1 के स्थान पे R1 और R2 को जोड़ के लिख दूंगा, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ 0, इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ 0, एक एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको हमने ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 0 2, ठीक है, और ये वाला में कोई चेंजिंग नहीं करना है,
क्योंकि मुझे काम कहाँ पे करना था, आर वन के स्थान पे, और कुछ नहीं करना है, तो ये आर टू और ये आर थ्री ऐसे ही लिखना है। ठीक है, मतलब किए कैसे हैं, इन दोनों को जोड़िएगा, यहीं पे लिखना है आर वन के स्थान पर, तो जीरो, इन दोनों को जोड़िएगा तो जीरो हो जाएगा, यहीं पे लिख देना है, और ये वन वन टू हो जाएगा, वन वन टू हो जाएगा तो टू लिख देना, और इसको आर टू को और आर थ्री को कुछ कमर कोई भी चेंजिंग नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो वही मैंने कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इसमें आर वन के अनुदिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों जीरो हो गया है, तो इस आर वन के अनुदिश अगर प्रसरण कर देंगे, ठीक है, तो आसानी से मान निकल सकता है। तो हम आर वन के अनुदिश, तो ये तो जीरो है तो छोड़ ही दीजिए, ये जीरो है तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये हो गया आपका दो। तो यहाँ पे सूत्र क्या बताए थे पहले कि प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि प्लस में दो लेना है तो दो ले लिए, तो ये दो लीजिएगा, इसके सामने ये रो खत्म, ये कलम खत्म, तो क्या बच जाएगा, ये चार मान बचेंगे, तो ये चार मानों को लिख देंगे। ठीक है, तो ये चारों को लिख दिए। उसके बाद हम करेंगे क्या, इसका हम वन में वन से करेंगे तो वन हो जाता है, और वन में वन से तो वन, और माइनस सूत्र में होता है, यहाँ भी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये अपना चलते जाएगा, यहाँ पे टू हो गया और इसमें भी टू हो गया, तो टू गुने टू कितना हो जाएगा, फोर। तो यहाँ पे फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि यही लाना था आपको, आर एच एस प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्लियर, पेज सात नंबर क्लियर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। तो ये देखिए एट नंबर क्या कहा जा रहा है कि इतना बराबर आपको इतना लाना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एल एच एस ले लिया, लिख दिया, फिर इतना हमको लाना है, तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ए माइनस बी लाना है, यानी कि ए माइनस बी यानी ए माइनस बी। ठीक है, और इस ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम सूत्र में बैठाएंगे तो ए माइनस बी हमको कॉमन मिल जाएगा, और फिर बी माइनस सी भी लाना है, देखिए बी माइनस सी यानी इसमें से इसको घटाना है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बी माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम करता हूँ कि आर वन के स्थान पर आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, ठीक है, और आर टू के स्थान पर क्या करूँगा, आर टू माइनस आर थ्री, आर टू माइनस आर थ्री, तो वही लिख दिया। अब यही उसी तरह से करेंगे, तो वन में से वन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब आर वन के स्थान पर लिखना है, ए में से बी घटाएंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर वन के स्थान पे हो गया। अब आर टू के स्थान पे, मतलब इस लाइन में करना है, तो एक में से एक घटाएंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा, और बी माइनस सी तो यहाँ पर बी माइनस सी हो जाएगा, इसमें से स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और ये आर थ्री में तो कोई काम ही नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों करना क्या है आपको, तो अब आपको इसमें फॉर्मूला लग रहा है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। यहाँ भी देखिए फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया। ठीक है, और ये सब जैसे हैं वैसे ही मैंने छोड़ दिया। अब देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है, आर वन में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी मिल रहा है ना, देखिए यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, आर वन में से ए माइनस बी, और देखिए आर टू में से आपको बी माइनस सी कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है ना बी माइनस सी, तो आर वन में से ए माइनस बी और आर टू में से बी माइनस सी कॉमन लेने पर। ठीक है, तो कॉमन ले लिए ए माइनस बी बी माइनस सी, तो अब कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वही लिखाएगा ना, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ये तो कॉमन हो गया तो एक हो जाएगा, यहाँ पे भी ए माइनस बी कॉमन हो गया तो ए प्लस बी हो जाएगा, तो वही देखिए दोस्तों लिखा हूँ जीरो एक ए प्लस बी, और फिर आर टू में से भी कॉमन लिए हैं, क्या लिए हैं कॉमन, तो बी माइनस सी बी माइनस सी, तो ये बी माइनस सी जब बाहर चला जाएगा ये बी माइनस सी, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे बी प्लस सी बच जाएगा, और ये आर थ्री में तो कोई कॉमन ही कुछ कॉमन ही नहीं हुआ है, वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे जीरो वन बी प्लस सी, इसको ऐसे ही छोड़ना था। अब देखिए दोस्तों करना क्या है आपको कि सी थ्री दिख रहा है ना, सी थ्री के अनुदेश कर रहा हूँ, ये हुआ सी वन सी टू सी थ्री, सी थ्री नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, सी वन के अनुदिश करूँगा, देखिए सी वन लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये सी वन हुआ, ये सी टू हुआ, ये सी थ्री हुआ, तो यहाँ पे सी वन के अनुदिश अगर करता हूँ दोस्तों, ठीक है, देखिए यहाँ पे सी वन लिखिएगा दोस्तों, ठीक है, तो ये देखिए सी वन के अनुदिश हम क्या कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं, तो ये सी वन हुआ, तो इसके अनुदिश कीजिएगा तो ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये तो खत्म ही हो गया, छोड़ ही दीजिए, इसको केवल लेना है वन, तो वन लीजिएगा, तो ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो एक आपको सूत्र बताया था वो आपको याद रखना होगा, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होता है प्लस, तो ये प्लस में ही होगा, ठीक है ना, तो इसको आप प्लस में लीजिएगा, क्या लेना है आपको, तो प्लस में वन, ये वन लेना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए वन ले लिया प्लस में, ठीक है, तो वन लीजिएगा, तो ये देखिए इसके सामने ये आपका कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो बच जाएगा ये चार, तो यही चार मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये जो था दो कॉमन वाला, ये तो चलबे करेगा साथ में, ठीक है ना, अब इसको गुना करिए तिरियक, तो वन में इतना से करिएगा तो इतना ही रह गया, और इसमें वन से गुना करिएगा तो इतना ही रह जाएगा, लेकिन सूत्र क्या होता है माइनस, तो ये माइनस से गुना होगा इन दोनों में, तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। अब देखिए कुछ कट रहा है, इसमें क्या कट रहा है,
तो यहाँ देखिए बी से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस में बी दिख रहा है आपका, यहाँ पे माइनस में बी दिख रहा है, ये कट गया तो सी माइनस ए बचेगा, सी माइनस ए, और ये पहले से था ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ पे आ गया सी माइनस ए, बस हो गया ना, यही ना दोस्तों प्रूफ करना था, आर एच एस प्रूफ हो गया। देखिए आपको यही प्रूफ करना था ना, देखिए यहाँ पे ए माइनस बी, बी माइनस सी, और सी माइनस ए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, इसमें एट का क्वेश्चन नंबर दो, ठीक है, क्योंकि ये एट का वन था तो एट का अब हम टू देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये कह रहा है इतना बराबर आपको इतना सिद्ध करना है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम एल एच एस लिख लेते हैं और मुझे इतना लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, इसमें ये देखना है ए माइनस बी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ए माइनस बी लाने के लिए, तो ए माइनस बी ये हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे बी माइनस सी, यानी बी माइनस सी इसमें से, इसमें से, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब सी वन के स्थान पे सी वन माइनस सी टू, और सी टू के स्थान पे सी टू माइनस सी थ्री, तो वही मैंने लिखा है सी वन के स्थान पे सी वन माइनस सी टू, और सी टू के स्थान पे सी टू माइनस सी थ्री, तो चलिए वही काम करते हैं। तो वन में से वन घटाइएगा तो क्या हो जाएगा जीरो, इस और ए में से बी घटेगा तो ए माइनस बी हो गया, और सी ए थ्री में से बी थ्री घटेगा तो ए थ्री माइनस बी थ्री, फिर ये तो हो गया R1 के स्थान पे, अब R2 के स्थान, सॉरी C1 के स्थान पे ये तो काम हो गया, अब C2 के स्थान पे काम करना है, यानी कि C1 माइनस C2 करना है, वन में से वन घटेंगे जीरो, B में से C घटाएंगे तो B माइनस सी, और इस B3 में से माइनस बी सी थ्री, ठीक है, और यहाँ पे तो हमको C3 में कुछ काम ही नहीं करना है तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर इतना हो गया, अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि हम इसको क्या करते हैं, इसको जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, इसको भी जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, लेकिन इसमें कुछ काम कर रहे हैं, तो इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको सूत्र याद होगा, ये नहीं याद होगा तो आप लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से इसको भी करेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पे पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है ना, तो मतलब बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी ए बी होता है, यानी बी में सी से गुना, यानी बी सी हो गया, प्लस बी का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे सी है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जैसे उसे मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमको कॉमन मिल रहा है, देखिए दोस्तों क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए इस सी वन में से हमको ए माइनस बी मिल रहा है, और सी टू में से आपका क्या मिल रहा है बी माइनस सी, तो इसमें भी बी माइनस सी, तो वही सी वन में से ए माइनस बी और सी टू में से बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने कॉमन ले लिया, लिख लिया, अब इसके बाद में जो बच रहा है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको कॉमन ये a माइनस बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे वन बचेगा, a माइनस बी कॉमन हो जाएगा तो ये वाला बच जाएगा, और इस लाइन में से आपको कॉमन b माइनस सी ये तो कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे वन बचेगा, और ये तो कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे ये बच जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये वाला तो, और आपका ये वाला ये सी थ्री ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा ना, ये सी थ्री का मान, ठीक है, तो वही हमने कर दिया, ठीक है। तो देखिए मैंने वही लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए दोस्तों कि हम R1 के अनुदिश, इस R1 के अनुदिश करेंगे तो ये वन आ जाएगा, प्लस में वन होगा ना, यहाँ पे प्लस होता है सूत्र में, प्लस में वन का ले लेंगे, ये तो दोनों जीरो है तो ये तो सिंपल हो गया, इसको छोड़ ही दीजिए, केवल हमको वन लेना है, तो वन लीजिएगा तो ये इसके सामने ये रो खत्म और इसके सामने ये कलम खत्म, तो ये बच जाएगा चार, तो वही लिखेंगे और ये गुना में रहेंगे, ठीक है। तो वन इंटू ये चारों को लिख दिए डिटर्मिनेंट के रूप में, अब इसको गुना करेंगे तो वन में इतना से करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, ठीक है, और इस वन में करेंगे इतना से तो इतना हो जाएगा, लेकिन सूत्र में माइनस होता है तो ये सब के सब माइनस में हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है, ये बी स्क्वायर से प्लस में ये बी स्क्वायर माइनस में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे देखिए प्लस में बी सी है और यहाँ पे माइनस में ए बी है, ठीक लिख दिए, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे ये जो है उसे अपना चलते जा रहा है, अब क्या करना है, इसको ऐसे ही उतार लिए। अब देखिए इसमें दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, बी कॉमन मिल रहा था, बी कॉमन तो क्या बचेगा सी माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला जानते होंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो वही कर दिया, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दोनों प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड क्या कॉमन मिल रहा है, तो ए सी माइनस ए और इसमें मिल रहा है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए दोनों साइड में से अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा बी और यहाँ पे बचेगा सी प्लस ए, तो चलिए इसमें से कॉमन इसको तो ऐसे ही छोड़ देना है, देखिए छोड़ दिए, हम कॉमन क्या लिए हैं सी माइनस ए, सी माइनस ए कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ पे सी माइनस ए कॉमन हो गया यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे बी, प्लस है तो प्लस, तो वही लिख दिया बी प्लस, ठीक है। उसके बाद में हम इधर से भी सी माइनस ए कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा सी प्लस ए, तो यहीं पे लिख दिया सी प्लस ए, तो ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और इसको सजा लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, तो यही ना प्रूफ करना था, आर एच एस प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए यही प्रूफ करना था आपको ना,
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 9। ठीक है, तो ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, इतना बराबर आपको इतना सिद्ध करना है। तो सिंपली करना क्या है आपको, तो ये एल एच एस लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। अब हमको एल एच एस लिखने के बाद में क्या करना है कि मुझे लाना क्या है, तो एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस एक्स माइनस वाई, फिर इसमें से भी ये, इसमें से इसको घटा के लिख दूंगा। कहाँ पे? आर वन के स्थान पे। तो देखिए आर वन के स्थान पे आर वन माइनस आर टू किया, फिर मुझे वाई माइनस जेड, तो इस वाई माइनस जेड कर देंगे, वाई माइनस जेड कर देंगे, यानी कि आर टू के स्थान पे लिख देंगे आर थ्री, आर टू माइनस आर थ्री, यानी कि वाई माइनस जेड यहाँ लिख दूंगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो वही मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखे हैं, कैसे लिखे हैं देखिए बताता हूँ आपको। तो क्या करना है, आर वन के स्थान पे आर वन माइनस आर टू, यानी एक्स माइनस वाई यहाँ पे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ लिख दूंगा, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो इतना माइनस इतना यहाँ पे लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया ये। ठीक है, इसी तरह से ये कैसे आया, उसी तरह से मैंने यहाँ लिखा हूँ। देखिए कैसे, तो वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पे लिख दूंगा, इतना माइनस इतना, यानी जेड एक्स माइनस एक्स वाई यहाँ पे लिख दूंगा, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा आर थ्री के मान। ठीक है, तो वही मैंने किया है, लिख लिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए अब क्या करूँगा, तो यहाँ पे एक लाइन कर सकता हूँ, इसको तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में पढ़े हैं ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख देंगे। यहाँ पे दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, माइनस जेड हम कॉमन करते हैं, माइनस जेड कॉमन करेंगे तो देखिए माइनस जेड कॉमन होगा तो ये प्लस में एक्स आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस कॉमन हुआ है तो ये माइनस में वाई हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। ठीक है, और इसमें भी हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस में एक बार प्लस में लिख दिया, और इसमें भी हम क्या कॉमन कर रहे हैं, माइनस एक्स कॉमन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और सब मैं इसी तरह से लिख दिया। अब हमको कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए आर वन में से हमको कॉमन मिल रहा है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो वही ले लिया एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा वन, यहाँ पे एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई बच जाएगा, यहाँ पे माइनस जेड बच जाएगा, और इसमें से आर टू में से भी कॉमन क्या किया हूँ, तो वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, तो ले लिया वाई माइनस जेड, तो क्या बचेगा यहाँ पे वन, यहाँ पे देखिए वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या बचा माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो आर वन के स्थान पे इस आर वन माइनस आर टू, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही काम किया हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे ही उतार लिए, और इस आर वन के स्थान पे आर वन माइनस आर टू, यानी ए वन में से वन कटेगा तो जीरो, और इसमें से इसको घटाइएगा आप, देखिए वाई में से वाई तो कट जाएगा, लेकिन एक्स माइनस जेड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस में आइए माइनस में, यानी एक्स माइनस जेड, इसको हमने थोड़ा सजा के लिख दिया, या इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ पे माइनस, एक घटाने पर एक माइनस आई माइनस पर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस वाला पहले और इसको माइनस वाले बाद में लिख दिया। ठीक है, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, आर टू और आर थ्री को ऐसे ही छोड़ दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, कि अब हम इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें देखिए ये कॉमन मिल रहा है ना, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, तो हमको लाना क्या था, तो एक्स माइनस जेड मुझे नहीं लाना है, मुझे लाना था जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जेड माइनस एक्स कॉमन इसमें से लेंगे, जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स लीजिएगा तो इसको अगर आप प्लस में लेना चाहते तो यहाँ पे माइनस वन कॉमन काट लीजिएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस वन यहाँ बच जाएगा, यहाँ भी माइनस वन कॉमन ले लीजिएगा, माइनस वन बाहर, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, यानी जेड माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर हमारा क्या हो गया, तो एक्स माइनस वाई पहले से था, वाई माइनस जेड कॉमन पहले था, और इसमें से हमको जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो जीरो, और यहाँ पे माइनस वन बचा है ना, मैंने बोला था ना कि माइनस वन कॉमन लेंगे, तो ये जेड प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो वही माइनस वन, यहाँ भी मैंने वही काम किया है, माइनस वन कॉमन किया तो ए प्लस में, ये माइनस में। ठीक है, यानी कि माइनस वन बच गया यहाँ पे, और ये जो था आर टू और आर थ्री ऐसा ही छोड़ दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन कि सी टू के स्थान पे सी टू माइनस सी थ्री कर लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम किया, इसको ऐसे ही मैंने उतार लिया। ठीक है, और इस सी वन के स्थान पर तो कुछ करना ही नहीं, इसे ही छोड़ दिए, लेकिन इसके स्थान पर मुझे कुछ करना है, इस ये माइनस वन में से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस होएगा, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट के जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से इसको घटाइएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, यानी कि अथोड़ा हमें सजा के लिखूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सजा के लिख दिया, ये माइनस यहाँ पे करिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और इसको आर थ्री में कुछ करना ही नहीं, मुझे ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, और इसमें से इसको घटाना है तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए करना क्या है दोस्तों, इस आर वन के अनुदिश करूंगा, क्योंकि ये एक ही मान है, ये दोनों जीरो है। ठीक है, आर वन के अनुदिश करूंगा, ये प्लस में होता है लेकिन यहाँ में माइनस वन है तो इसलिए माइनस वन लिख दिया।
तो ये R1 मतलब इसका रो ख़त्म और इसका कॉलम ख़त्म, तो बच जाएगा ये चार, तो ये चार लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस वन था, माइनस वन, अरे इसको ऐसे ही मैंने उतार लिया। ठीक है, अब देखिए माइनस वन है तो माइनस वन, अब इस एक में इससे गुना करेगा तो इतना ही रह जाएगा, और इसको गुना करेंगे जेड से तो ये जेड एक्स, फिर जेड वाई, फिर जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, सूत्र में माइनस होता है, तो माइनस, तो ये सब टोटल माइनस में आ जाएगा, जेड एक्स, फिर माइनस जेड वाई, फिर माइनस जेड में जेड से जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, ये देखिए प्लस और ये देखिए माइनस, कट गया तब बच जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है, और यहाँ भी माइनस वन है, और सब जैसे है उसे छोड़ दीजिए, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैं सजा के इसको लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने सजा के ही लिखा हूँ, क्या किया हूँ कि इसमें देखिए एक्स वाई, फिर वाई जेड, वाई जेड को मैं लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा उलट के लिख सकता हूँ, गुना में है तो पहले वाई को बाद में जेड को, इसको उसके बाद में जेड एक्स इसको बाद में, मतलब सजा के इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे सजा के ये लिख दिया। अब सजा के लिखने पर यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इसमें से सब में से माइनस वन कॉमन करिएगा, ये माइनस वन, तो माइनस वन माइनस गुने वन प्लस वन हो जाएगा, अब वन में गुना करेंगे इतना से तो उतना ही रह जाएगा, यानी माइनस में माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया, ये प्लस में आ गया सब। ठीक है, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये प्लस में सब आ गया मान, एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यही ना प्रूफ करना था आपको, तो देखिए आपका प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था मुझे, देखिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही प्रूफ करना था, तो सिद्ध हुआ ये। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अगले पार्ट में इसका अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।